तो फाइनली होंडा एक्टिवा 2023 मॉडल को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, जो कि होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट है। हालांकि 7G मॉडल को अभी लॉन्च नहीं किया गया है, उसके लिए आपको और भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन कंपनी ने नए फीचर्स के साथ अपने होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट को लॉन्च किया है, जो कि 2023 मॉडल है। और इस नए मॉडल में आपको लगभग 6 से 7 नए अपडेट देखने को मिलेंगे। उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगी। सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि इस स्कूटर को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आपको 6 करोड़ ऑप्शन के साथ मिलेगी। हालांकि जो इसकी डिजाइनिंग है और लुक है वो सारे पहले जैसे हैं, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। जो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिल जाता है वो आपको कीलेस स्टार्ट मिल जाता है, यानी कि कार के जैसे आपको एक रिमोट मिल जाएगा। जैसे कि कार में आपको रिमोट मिलते हैं स्टार्ट करने के लिए, वैसे आप स्कूटर में आपको रिमोट की मिल जाएगी। और इस रिमोट की के 4 मेन फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसमें जो पहला फीचर है स्मार्ट फाइंड, यानी कि लोकेट माय स्कूटर, एंसर बैक भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने स्कूटर के 10 मीटर के रेंज में होंगे, अगर आप पार्किंग में स्कूटर खड़ा किए हैं और ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है स्कूटर, ऐसे में इस की मदद से आप बटन प्रेस करके अपने स्कूटर का लोकेशन देख सकते हैं, जिससे कि आपके स्कूटर का जो भी इंडिकेटर होगा वो ब्लिंक करने लगेगा। ये इसका पहला फीचर हो गया। इसका जो दूसरा फीचर है स्मार्ट अनलॉक, यानी कि अपने स्कूटर से आप 2 मीटर के रेंज में होंगे, ऐसे में स्कूटर का जो आप नॉब देख रहे हैं, यहाँ पे चाबी नहीं लगती है। पहले एक्टिवा 6G में चाबी लगती थी, लेकिन अब हटाकर एक नॉब दिया गया है। तो अगर आप अपने स्कूटर के पास आते हैं, आपके पास अगर ये रिमोट की है, तो ऐसे में आप इस नॉब को घुमाकर सीट ओपन कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्यूल लीड को ओपन कर सकते हैं, स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये नॉब तभी मूव होगा जब आपके पास ये रिमोट वाली की होगी। इसके अलावा इसके हैंडल को भी आप लॉक कर सकते हैं इसी नॉब को रोटेट करके। इसका जो तीसरा फीचर है स्मार्ट स्टार्ट, यानी कि इस रिमोट के जरिए ही आपका स्कूटर स्टार्ट होगा। अगर कोई डुप्लीकेट चाबी इसका बनाने की कोशिश भी करे तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि अपने स्कूटर से आप 2 मीटर के रेंज में होंगे, ऐसे में ऑटोमेटिक ये स्कूटर अनलॉक हो जाएगी। और जैसे ही अपने स्कूटर से 2 मीटर के रेंज से दूर जाएंगे, तो ऐसे में स्कूटर लॉक भी हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप स्कूटर के पास आते हैं और 20 सेकेंड तक स्कूटर स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये स्कूटर फिर से लॉक हो जाएगी। और आपको स्कूटर स्टार्ट करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये नॉब को घुमाना ही होगा, और आपके पास ये रिमोट वाली की होनी चाहिए। जो इसका चौथा फीचर हो गया वो स्मार्ट सेफ का फीचर हो गया, यानी कि एंटी थेफ अलार्म भी इसमें आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपने स्कूटर से 2 मीटर के रेंज से बाहर हैं और कोई आपके स्कूटर के साथ छेड़खानी करता है, तो ऐसे में अलार्म भी इसमें बजेगा। तो ये आपको फीचर सेफ्टी के लिए यहाँ पे होंडा एक्टिवा के नए मॉडल में देखने को मिलेगी। तो ये आपको ये रिमोट की के जरिए 4 मेजर फीचर देखने को मिल जाते हैं। बाकी दूसरे अपडेट की अगर बात करें तो इसमें नया अलॉय व्हील्स दिया गया, जो कि ब्लैक कलर के साथ मिल जाती है। इसके अलावा होंडा एक्टिवा में 6G का जो लोगो है उसको कंपनी ने हटा दिया है, इसके जगह पे एच स्मार्ट का लोगो लगा दिया है। इसकी जो अगली अपडेट है, इसमें नए पैटर्न की टायर दी गई है, जिससे कि आपका रोलिंग रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम होगा और आपको अच्छी रोडों पे ग्रिप भी मिलेगी और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो बस आपको यही अपडेट्स मिलता है होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट में। बाकी ये 3 वेरिएंट के साथ आपको मिलेगा, उसकी प्राइस की भी जानकारी दे देते हैं। तो सबसे बेस्ट वेरिएंट है स्टैंडर्ड वेरिएंट, उसका जो एक्सट्रीम प्राइस है 74,536 यानी कि 74,536 रुपये तक है। डीलक्स वेरिएंट के साथ एक्सट्रीम प्राइस 77,036 यानी कि 77,036 रुपये तक है। तो इसका जो टॉप मॉडल है, जो कि स्मार्ट की अलावा इसके साथ आती है, एक्सट्रीम प्राइस 80,537 यानी कि 80,537 रुपये तक है। और इसके डीलक्स वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में आपको लगभग 3500 का फर्क भी देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपको अलाउवेज चाहिए और ये रिमोट की चाहिए, तो ऐसे में आपको 3500 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये लगभग आपको 6 से 7 नए अपडेट एक्टिवा एच स्मार्ट में देखने को मिलता है, जो कि कंपनी ने 7G आज लॉन्च नहीं किया है। तो ये नया फीचर आपको एक्टिवा एच स्मार्ट में कैसा लगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कंपनी होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लाने वाली है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर से कोई भी जानकारी आती है तो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और 7G के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।